नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। रोटी लोगों की डाइट का हिस्सा है। उत्तर भारत में लोगों का पेट बिना रोटी के भरता ही नहीं है। कुछ क्षेत्र में रोटी को चपाती के नाम से भी जाना जाता है, वहीं अंग्रेजी में ब्रेड कहते हैं। रोटी बनाने का आम प्रोसेस है। आटा पानी में गूंद कर रख लिया जाता है, बाद में इसे तवे और उसके बाद सीधे आंच पर सेक कर फूली हुई रोटियां तैयार हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रोटी इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद कितनी सेहत के लिए खतरनाक हो जाती है? विशेषज्ञों के अनुसार सीधी आंच पर इसे सेकना सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। एक स्टडी के अनुसार नेचुरल गैस चूल्हा और गैस स्टोव से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कण निकलते हैं। यह सभी कण बॉडी के लिए खतरनाक है। इन पॉल्यूटेंट से सांस संबंधी समस्या, दिल से जुड़ी बीमारियां, यहां तक कि कैंसर होने की संभावना भी रहती है। इसके अलावा दूसरी स्टडी के अनुसार इसमें बताया गया है कि तेज आंच में खाना बनाने से बॉडी के विभिन्न ऑर्गन के लिए सही नहीं माना जाता है। गेहूं के आटे में भी प्राकृतिक चीनी और प्रोटीन होता है। गर्म होने पर कार्सिनोजेनिक केमिकल पैदा करता है। इसका सेवन करना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तो आखिर क्या करें? रोटी को तेज आंच पर बिल्कुल नहीं सेकना चाहिए। इससे कार्बन युक्त कण और जहरीले तत्व बॉडी में जाते हैं। धीमी आंच पर रोटी पकाएं और सीधा चूल्हे या गैस पर रोटी ना सेकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।